वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज के वीडियो रेप्रो इंडिया लिमिटेड पे है। जैसा कि आप देख रहे हो अभी इसका स्टॉक प्राइस जो चल रहा है मैक्सिमम मैं दिखा रही हूँ आपको 473 तक का चल रहा है गाइस। मंडे का हम देख सकते हैं कहाँ ये पहले 481 पे था, फिर नीचे गिर के 471 पे आ गया, फिर उठा 475-76 पे आ गया गाइस, फिर उसके बाद 478 पे आया, फिर अब गिर के ये 473 पे हो गया। तो उसका लास्ट क्लोजिंग का था गाइस वो 472 रुपए था। वही आप इसका ओपन देख सकते हो 477 रुपए, हाई 482 है, मार्केट कैपिटल भी देख सकते हैं। वही बाउंड्री का हाई 469 रुपए का दिखा रहे हैं गाइस। तो जो कंपनी है रेप्रो इंडिया लिमिटेड, जैसे कि मैं आपको बता दूं ये प्रिंट कंटेंट एंड फुलफिलमेंट सॉल्यूशन बेस्ड है, मतलब एक तरीके से ये प्रिंटिंग कंटेंट वाली कंपनी है जो कि ई बुक और प्रिंटेड से रिलेटेड काम करती है गाइस। जैसा कि आपको मैं बता देती हूँ रेप्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो ये इसका जो मार्केट कैपिटल 606 करोड़ का है, वही आरओसी माइनस में 3.38% और आरओई भी माइनस में है 9.10% के गाइस। वही करंट प्राइस भी देख सकते हो आप इसका 477 रुपए का है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो हाई है 669 रुपये जो मैंने बताया था वहाँ पर डिविडेंड इसने दिया नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये। डेप्थ इसका देखिए गाइज, मेन डेप्थ है कि 102 करोड़ का कर्जा चल रहा है। वहीं इसका प्रॉफिट ग्रोथ है 47% का, सेल ग्रोथ है 83% का। वहीं प्रमोटर होल्डिंग 51% के हिसाब से बनी हुई है। जैसे कि आप हम यहाँ पढ़ लेते हैं, रेप्रो इंडिया लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग प्रिंटिंग सॉल्यूशन विच इंक्लूड्स वैल्यू इंजीनियरिंग, क्रिएटिव डिजाइनिंग, प्रेस, प्रिंटिंग, नीटिंग एंड असेंबली एंड अदर सर्विसेज अक्रॉस द प्रिंटिंग वैल्यू चेन। तो गाइस इससे तो आपको पता ही चलता है कि कंपनी काम क्या करती है। द सर्विस ऑफ द को इंक्लूड पब्लिशिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही प्रोवाइड करती है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑफसेट प्रिंटिंग, बुक स्टोर, ई बुक स्टोर। मतलब गाइस 2021 तक कम से कम इसने 8000 करोड़ तक की इसने सेल की थी। तो गाइस रेप्रो इंडिया लिमिटेड बुक से रिलेटेड कंपनी है जो कि डिजाइनिंग, प्रिंटिंग और आप कह सकते हो उसके बहुत सारे स्टोर्स भी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मिलते हैं। और आपको पता ही है काफ़ी लोग बुक के बहुत शौकीन रहते हैं जो कि पढ़ते ही पढ़ते हैं। हम इन्वेस्टर की होल्डिंग भी दे सकते हैं गाइस। इन्वेस्टर की होल्डिंग थोड़ी 52 से कम होती हुई नजर आई है, 51 पहुँच गई है। वहीं FIS की भी होल्डिंग कम होकर 14 पहुँच गई गई। DIS की होल्डिंग बिल्कुल खत्म ही हो गई है जून तक। और पब्लिक की होल्डिंग गाइस देखिए आप बड़ी है क्योंकि पब्लिक ने स्टेक्स खरीदे हैं। वही हम इसका वो देख लेते हैं गाइज, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ इसके प्रो एंड कॉन्स इसके हम देख सकते हैं। प्रो एंड कॉन्स देख लीजिए, कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, ठीक है, कंपनी ने अपनी जो डेप्थ है वो धीरे धीरे अपने कर्जे ने कम करे। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, बहुत अच्छे है। डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 132 से 80 डेज तक का। वही कॉन्स भी, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ -2 to 1% ओवर पास्ट 5 ईयर, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी -6.03% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो गाइज चूंकि किसी भी कंपनी में हम कहते हैं ना मेन होता है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ किसी भी कंपनी में ROE ROCE बहुत मेन होता है, PE रेशियो भी बहुत मेन होता है। PE रेशियो तो इसमें है ही नहीं गाइज, लेकिन जैसे कि गाइज रेप्रो इंडिया लिमिटेड स्टॉक तो अच्छा है। देखिए पहले कहाँ ये मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये कहाँ ये 242 रुपये था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, कहाँ ही पहले 797 रुपये तक के पहुँच गया था। तो गाइस अभी जैसे इनमें गिरावट देखने को मिल रही है तो अभी आप इसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा देखिए गाइस, जैसे कैसे स्टॉक ROE माइनस में है और जैसे कैसे देखिए जैसे कि ये डेप्थ कम करते जा रहे हैं, उस तरीके से कह सकते हो कि रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर भी धीरे धीरे इंप्रूव होंगे ही। लेकिन गाइस किसी भी इंप्रूवमेंट में टाइम तो लगता ही है, डिपेंड आप लोगों पे करता है गाइस। मैं तो किसी भी स्टॉक के लिए रिकमेंडेशन नहीं करती, मैं इन्फ्लुएंस करती हूँ, खरीदना आप लोगों का है गाइस। थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हो तो हाँ आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी गाइस डिपेंड आप लोगों पे करता है। आप इस स्टॉक के बारे में स्टडी कर लो, चेक कर लो, देन उसके बाद इन्वेस्ट करो। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई इन्फ्लुएंस है। स्टॉक के रिगार्डिंग जो न्यूज़ थी कि ठीक, हाँ ये स्टॉक सही है, ठीक ठाक है, अभी गिर रहा है तो आप अभी जिस प्राइस पे है अभी आप इसको परचेस कर सकते हैं, बाकी गाइस डिपेंड आप लोगों पे करता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोज लेकर आती हूँ उस पर। तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को स्प्रेड करें और वीडियो को स्प्रेड करें। गुड बाय गाइस, थैंक यू।